गाइस आज हम लोग ट्रेवल करेंगे रिक्शे से। हे गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मी अनिल, यू आर वाचिंग व्लॉग। तो गाइस कल रात को बहुत ही गलत सीन हो गया। मैं उठा था 3:30 बजे तक लगभग जागा था। मैं 3:23 या 3:20 को सोया। मेरा इंटरनेट स्लो हो गया तो मैं वीडियो अपलोड पे लगा दिया था, देख लो तो आधे कप से 40% पे अटका हुआ है। बोला अभी तो नहीं हो पाएगा तो मैंने बंद कर दिया और सुबह को कर दिया अपलोड पे। अपलोड हो ही गया लगभग, तो उसके वजह से यार मैं सो नहीं पाया ज़्यादा। सही में एकदम नींद आ रहा अभी। और देखो आज का मौसम बाहर का सब मस्त एकदम ठंडा चिल। बनाएंगे किधर प्लान जाने का, क्योंकि ऐसा मौसम चे रहता है किधर आने जाने को। पर अभी चलते हैं, रेडी होते हैं। और आँख बहुत दस रहे से खींच रही है। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो गया और रेडी होते मैं नीचे आ गया। पापा का जोत जला ने जोत हो गई। अब चलते हैं, कुछ नाश्ता लेके आते हैं, हम खा के आएंगे। मम्मी के लिए पार्सल लेके आएंगे। बाकी आज का बाहर का मौसम यार सही में बहुत, ये देखो आज एकदम कूल हुआ, एकदम धूप है ही नहीं, एकदम मस्त मौसम। तो गाइस निकलते हैं, इलेक्ट्रिक से जाएंगे क्योंकि पेट्रोल यार बहुत महंगा और फिर मुझे जम भी नहीं रही गाड़ी। जब से ये मैंने चला रखी है ना, वो मुझे बहुत हार्ड लगती है। ये एकदम स्मूथ, एकदम कंफर्टेबल वाला फील देते, एकदम कंफर्टेबल। आदेश का वेट करो, आदेश आ जाए तो निकलते। तो गाइस आदेश आ गया, अब चलते। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए और आदेश तो खाना भी चालू कर दिया। ये रही मस्त इडली। तो गाइस अभी मम्मी के लिए भी पार्सल ले लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी पार्सल ले लिया और अभी निकलते हैं घर के लिए। हम लोग अब घर आ गए, मम्मी को दे दिया नाश्ता। नाश्ता हो गया, बच्चों का लग गया, आदेश पापा ये लोग खा भी लिए, मेरा बाकी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आज खाने में क्या बनाए। ये देखो भिंडी दाल चावल और वो रोटी। चलते मिलता हूँ मैं खा के। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे 5:07। आज का ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ हाँ मतलब अलग करने जा रहे हैं हम लोग। और हाँ चीकू आया था मेरे बेडरूम में, मतलब ऐसा खेलने के लिए। मैं सो रहा था तो उसको भगा दिया। तो इधर देखो वो आके सो गया इधर। अब सिस्टम नहीं करते, निकलते अब सीधा क्योंकि टाइम हो ही गया है। तो फाइनली गाइस मैं नीचे आ गया और ये रही इलेक्ट्रिक और लेके निकलते इसको फटाफट। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और गाड़ी मैंने इधर पार्क कर दी है ये सोसाइटी में। और अभी चलते हैं बाहर। गाइस आज हम लोग ट्रैवल करेंगे रिक्शे से, ना स्कूटी मतलब किसी भी प्राइवेट व्हीकल से नहीं करेंगे। आज हम लोग रिक्शे में घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चल फिर चलते हैं रिक्शा पकड़ते। तो गाइस फाइनली हम लोग रोड पर आ गए, पर अभी दूर तक रिक्शा नहीं दिख रही है। वेट करते, आ गई एक रिक्शा आ गई। गाइस फाइनली हम लोग रिक्शे में आ चुके हैं और क्या मतलब अलग ही कितने टाइम बाद में बैठा है इसी गाड़ी से आना जाना रहता था। तो गाइस एक लंबा ट्रैक है आपको दिखाता हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम लोग आए हैं अभी उमरगांव स्टेशन पे और इधर से हमने सोचा इधर से जाएंगे मार्केट के अंदर। बाकी मज़ा बहुत आया रिक्शे में आने में, काफ़ी टाइम बाद बैठा, शेक बहुत हो रहा था अंदर। तो चलो फिर चलते हैं मार्केट में, बाकी क्या मज़ा मतलब कुछ अलग अलग फील हो रहा है आज। ये देखो तो गाइस हम लोग इधर अभी आए, इधर से सिंग लेके चलेंगे टाइम पास खाते खाते, एक लेके देखते अंकल। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म पे, मैंने ले लिया सिंह। अब टाइम पास बस वो इधर ही घूमेंगे थोड़ा आगे से फिर निकलेंगे। बाकी कुछ अलग है मतलब कुछ अलग एक्सपीरियंस आ रहा है। ऐसे नॉर्मल आता था तो अलग आता, लेकिन आज वीडियो बनाने वाले तो कुछ और अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
गाइस अभी हम लोग है ना स्टेशन के टिकट काउंटर के भी बहुत आगे चुके, मतलब एंडिंग ही समझ लो प्लेटफॉर्म का। बाकी वो देखो अंदर है थोड़ा। मैं स्टेशन से जा रहा था ना तो मुझे ना मेरी ड्रीम कार दिख गई, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो उसके ऊपर लिखा हुआ है कार, वो मेरी ड्रीम कार है, आपको दिखाता हूँ। एक दिन लेके रहूँगा। फाइनली गाइस मस्त घूम फिर लिया, अभी निकलते घर के लिए क्योंकि टाइम भी हो ही गया है। चलते मम्मी को मार्केट वर्क करना होगा तो लेके आते हैं मम्मी को मार्केट। बाकी बहुत मजा आया, अब वापस रिक्शा पकड़ेंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और इधर आते ही मैं देख रहा हूँ इतनी रिक्शा है ना, देखो दूर दूर तक सिर्फ रिक्शा है रिक्शा है। ऐसा कौन सा सिटी होगा जिधर मतलब रिक्शा ना है, मतलब बहुत कम हो, जब इतने छोटे सिटी में इतने हैं। तो गाइस आप लोग बताओ ऐसा कौन सा सिटी होगा जिसमें रिक्शा बहुत कम हो। तो गाइस इतना टाइम चलने के बाद, मतलब काफ़ी दूर तक चलने के बाद हम लोग लगे थे भूख, तो आज हम लोग कुछ खा नहीं रहे, आज हम लोग पी रहे। आपको दिखा क्या पी रहे? तो गाइस ये ऑर्डर किया था, ये बादाम शेक, ये लस्सी। अब इसको फिनिश करते हैं और निकलते हैं घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गया, काफ़ी दूर चलना पड़ा लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज कितने टाइम बाद मैं गाड़ी को साइड में रख के ऐसे ही ट्रैवल किया। बाकी ट्यूशन व्यूशन आता था, अभी कैसा वैकेशन चालू है तो करीबन मैं ना 1 से 2 महीने बाद ऐसे जा रहा हूँ ऑटो वापस, मतलब ऐसा वापस से वो मेमोरी से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लेटर के पास, अब अपने धनों को उठाते हैं और निकलते हैं इधर से फटाफट क्योंकि घर पे से कॉल आ गया है, काफ़ी 2 बार आ चुका है। ये रही लेटर, चलते हैं। फाइनली गाइस मैं घर आ गया, घर पे आते बहुत लेट हो गया, करीबन 8:30 बज गए थे। तो अभी खाना भी बन गया तो खाना खा के मिलता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन आज का एक्सपीरियंस का है बहुत बहुत अच्छा लगा मस्त। फाइनली गाइस घर पे आ गया और खाना पीना हो गया, तो अभी लगता है वीडियो एडिटिंग करने में। आज हम लोग ने बहुत मस्ती किया, बहुत मस्ती, इधर से ज़्यादा दूर नहीं गए, यहाँ से गए स्टेशन, स्टेशन से इधर। मैं मानता हूँ ये वीडियो इतना बड़ा नहीं होगा पर जो भी है मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। बाकी बहुत मज़ा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस मिला, तो फिर ये वीडियो को इधर एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। गाइस इधर उधर बहुत होता है, मतलब इधर का बहुत अच्छा है, रोड की वजह से हमारे रोड इतने अच्छे होते हैं ना।